मैं शारदा पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा से विजयपाल सिंह। आज हम इंडियन नंबर सिस्टम से नंबर नेम किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहली चीज होती है पीरियड्स और फिर होते हैं प्लेसेस। पीरियड्स में हम राइट हैंड साइड से जब चालू करते हैं तो वंस पीरियड आता है, उसके बाद थाउजेंड्स पीरियड आता है, उसके बाद लैक्स पीरियड आता है। वंस पीरियड में थ्री प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में दो प्लेसेस होते हैं, टू प्लेसेस होते हैं, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। और लैक्स में भी टू प्लेसेस होते हैं, लैक एंड टेन लैक। तो इस प्रकार से इंडियन सिस्टम में पहले पीरियड में थ्री डिजिट्स होते हैं, उसके बाद टू टू डिजिट्स आते हैं हर पीरियड में। तो ये अपने को ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग अपने को कॉमास लगाना आना चाहिए। किसी भी नंबर में कॉमा कैसे लगेगा इंडियन सिस्टम से वो हमको आना चाहिए। जैसे वंस, टेंथ और हंड्रेड्स थ्री डिजिट्स होने के बाद कॉमा आ जाएगा, उसके बाद थाउजेंड और टेन थाउजेंड दो डिजिट के बाद कॉमा आ जाएगा, उसके बाद लैक और टेन लैक टू डिजिट्स के बाद फिर कॉमा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इंडियन सिस्टम चालू रहता है। जैसे एक ये नंबर लिखा मैंने, ठीक है, इसमें सबसे पहला काम है हम इस नंबर को तब रीड करेंगे जब पहले हमको कॉमास लगाना आएगा। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से वन टू थ्री के बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद वन टू के बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद वन टू लास्ट में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला काम है हमारे को कॉमास लगाना, ठीक है ना। उसके बाद इसका नंबर नेम लिखेंगे हम। तो आप देखते हैं कि ये तो वंस पीरियड है, वंस पीरियड में थ्री डिजिट्स आते हैं, उसके बाद ये थाउजेंड्स पीरियड है और ये लैक्स पीरियड है। तो हम इसका जो नंबर नेम लिखेंगे, पहले लैक्स में कितना है 57, तो हम लिखेंगे 57 लैक। यहां लिख देंगे हम 57 लैक। उसके बाद थाउजेंड में क्या है 34, तो 34,000, तो यहां लिख देंगे 34,000। और उसके बाद वंस पीरियड में हमारे पास थ्री डिजिट बचे हैं, तो थ्री डिजिट नंबर हमको रीड करना आना चाहिए। ये है 675, तो इसको एग्जिट हम लिखेंगे 675। इस प्रकार से इसका नंबर नेम हो गया 57,34,675। तो ये नंबर नेम हो गया। अब इस एक नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, इसमें फिर से हम कॉमा लगाते हैं, वन टू थ्री के बाद कॉमा, उसके बाद वन टू के बाद कॉमा। और अब हम देखते हैं ये तो वंस पीरियड हो गया और ये टेंस पीरियड है, थाउजेंड्स पीरियड हो गया, तो ये थाउजेंड्स पीरियड हो गया और ये लैक्स पीरियड हो गया। वंस पीरियड हमको रीड करना आना चाहिए, ये है 720। थाउजेंड्स में आप देख रहे हैं 05 है, 05 को हम 5 पढ़ेंगे क्योंकि किसी नंबर से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो 05 का मतलब 5 हो गया और लैक में 3 है। तो इस प्रकार से इसका नंबर नेम हो गया 305,720। तो इसको अपन लिख देंगे 3,05,720। तो यहां लिखेंगे 720। इसका नंबर नेम हो गया। इस प्रकार से सबसे पहला काम है, कभी भी आप नंबर नेम लिखते हैं तो उससे पहले कॉमा जरूर लगाएं। कॉमा लगाए बिना हम किसी भी नंबर का नंबर नेम नहीं लिख सकते, और लिखेंगे तो कुछ गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए उससे बचने के लिए हमें कॉमा लगा लेना चाहिए। इधर आइए इस नंबर में, वन टू थ्री, थ्री के बाद कॉमा लग गया, फिर वन टू टू के बाद कॉमा लग गया। तो ये तो हो गया वंस पीरियड, ये हो गया अपना थाउजेंड पीरियड। पीरियड लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना मैं प्लेसेस नहीं लिख रहा हूँ, पीरियड्स लिख रहा हूँ। उसके बाद ये लैक्स पीरियड आ गया, ठीक है ना। तो लैक में आप देख रहे हैं 15 है, थाउजेंड में 00 है जिसको नहीं बोला जाएगा क्योंकि 00 का मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए ये नहीं बोला जाएगा। वंस पीरियड में आप देख रहे हैं 063 है, तो इसको बोला जाएगा 63।
क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है, और ये कितना है 63, तो ये हो गया 15,63,000। तो ये आपका इसका नंबर नेम हो गया 15,63,000। इस प्रकार से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर, आपको अभी मैं लैक्स तक के नंबर बताए हैं, तो आप एक बार घर पे इनकी जरूर प्रैक्टिस करें। अलग अलग तरह के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट तक के नंबर लिखें अपने मन से, और उनका नंबर नेम लिखें, और नंबर नेम लिखकर कोशिश करें कि क्या आप सही बना पा रहे हैं। इसके लिए आप अपने घर पे फिर को दिखाइए, कोई बड़े भाई बहन वगैरह को दिखाइए, या अगर आपको दिक्कत आती है तो हमसे कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।